नमस्कार बच्चों, आज हमारा शब्द का अगला टॉपिक है और हम शब्द के अगले टॉपिक को कहेंगे रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के हैं और इनको कौन कौन से हैं, इनकी परिभाषा क्या है। तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। रचना के आधार पर शब्द हमारे तीन प्रकार के। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है यौगिक शब्द या समास शब्द। ये तीन प्रकार के हमारे रचना के आधार पर शब्द है। तो रचना के आधार पर पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा यौगिक या समास शब्द। जो समास होते हैं हमारे वो यौगिक शब्द होते हैं। तो ये समास हमारे लिए रचना के आधार पर है और रचना के आधार पर पहला हमारा कौन सा है? रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके और अधिक सार्थक खंड न हो सके, वे शब्द जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके, उसको और किसी भी शब्द तोड़ा ना जा सके, अर्थात खंडित करने पर जिन शब्द का कोई भी अर्थ न निकले। अगर कोई शब्द हमारे पास उनके टुकड़े अगर हम करते हैं तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले, उसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए दिन, क्या हमारे पास दिन, अब इसके हम टुकड़े कर देते हैं, इसको दी को अलग कर देते हैं, न को अलग कर देते हैं, तो न तो इसका अर्थ है और न ही इसका अर्थ, इन दोनों का कोई भी अर्थ नहीं है। अगर दोनों को मिला देंगे तो इनका अर्थ निकलेगा दिन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा घर, इस है को अलग कर देंगे और रह को अलग कर देंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं है। ये क्या है? हमारे रूढ़ शब्द है। क्या है? ये रूढ़ शब्द है हमारे। ठीक है, घोड़ा हाथी, जिस शब्द के टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ है वो ना निकले और न ही उसके टुकड़े हों, अगर टुकड़े करेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, वो कौन से होते हैं? हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। अगला है देखिएगा यौगिक शब्द। अगला कौन सा है? यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द कौन से हैं? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका निर्माण एक रूढ़ शब्द के, कौन सा शब्द होते हैं निर्माण करते हैं तो क्या होता है? रूढ़ शब्द के उपसर्ग या पत्ते, कोई भी रूढ़ शब्द होगा हमारे पास उसके या तो हम उपसर्ग लगा देंगे या फिर पत्ते लगा देंगे। ठीक है, पत्ते या एक अन्य शब्द लगने से, पत्ते लग जाए, उपसर्ग लग जाए, कोई अन्य शब्द उसके आगे लग जाने से या पीछे लग जाने से उसका अर्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? यौगिक शब्द कहेंगे। अब देखिएगा उदाहरण के तौर पर नमकीन, नमकीन। ठीक है, अब देखिए दो शब्दों से बना है ये, इसका हमने क्या लगा देखिए नमक हमारे पास है, नमक है, नमक हमारे पास, इन नमक को हमने क्या लगाया? ये क्या रूढ़ शब्द हमारे पास? नमक। अगर इसके टुकड़े करेंगे हम तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर हमने इसके आगे क्या लगा दिया? इन पत्ते लगा दिया। क्या लगा दिया? इन पत्ते। क्या है? पत्ते है। ये पत्ते लगने पर क्या बन जाएगा? ये नमकीन। क्या बन जाएगा? नमकीन बन जाएगा। तो क्या कहा है कि कोई रूढ़ शब्द है उसको या तो पत्ते लग जाएगा या उपसर्ग लग जाएगा तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा विकार, विकार हमारे पास है तो विकार को क्या लगा? ये हमारे पास वी है, ये क्या है? उपसर्ग है। क्या है? ये उपसर्ग है। ठीक है, अब कार क्या है? कार। ठीक है, ये कार शब्द हमारे पास है, ये रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द है। इसको टुकड़े करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, अगर हम वी और कार को अलग करते हैं तो कार को वी उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया? विकार बन गया है। ठीक है, इस प्रकार से अगर किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग या पीछे पत्ते लगने पर या कोई शब्द लगने पर जो विकार आता है उसका अर्थ बदलता है तो उसको क्या कहेंगे हम? यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको यौगिक शब्द कहेंगे। अगला है हमारा यौगिक शब्द। अगला क्या है? यौगिक शब्द।
यौगिक बोलते हैं कि वे यौगिक शब्द जो किसी अन्य विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हो, क्या करता है जिसका अर्थ बंद निकल गया है, जो यौगिक शब्द शब्द तो कौन से हैं यौगिक हमें है, दो शब्दों से मिलकर बने हैं या उपसर्ग लगने से या प्रत्यय लगने से शब्द तो तैयार हो गए, लेकिन वो उसका जो अर्थ निकलेगा तो वो रूढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूढ़ हो जाएगा। जैसे हमने उदाहरण लिया है यहाँ पर पंकज, क्या लिया है पंकज, देखिए पंक प्लस ज, पंक प्लस ज, अब क्या होता है पंक मतलब कीचड़, पंक में क्या होता है कीचड़, और ज होता है पैदा होना, पैदा होना, पंक में होता है कीचड़ और ज में होता है पैदा होना, कीचड़ में पैदा होने वाला कोई भी हो सकता है, कीचड़ में पैदा होने वाली चीज तो कोई भी हो सकती है, कीचड़ में पैदा हो रहा है, लेकिन यहाँ विशेष अर्थ निकल रहा है कमल, क्या निकल रहा है कमल, ये कमल क्या हो गया हमारा रूढ़ शब्द हो गया है, क्या हो गया है रूढ़ शब्द हो गया है, अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाता है हमारा योगगुण शब्द हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं क्या होते हैं योगगुण शब्द हो जाते हैं। जिस प्रकार हमने चार पाई ठीक है, तो चार पाई किसी की भी हो सकते हैं, कोई भी चीज उसकी चार पाओ वाली, ठीक है ना, चार पाई जिसके चार पाव है जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ एक विशेष अर्थ निकल रहा है और क्या खाट, क्या निकल रहा है खाट, जिस पर हम सोते हैं ना खाट, ठीक है, चार पाई वो निकल रहा है, यहाँ विशेष अर्थ निकल रहा है और एक खाट शब्द बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा रूढ़ शब्द बन जाएगा। जैसे नीरज, नील प्लस जय, नीर प्लस जय, नीर में होता पानी, जय में होता पैदा, पानी में पैदा होने वाला, ठीक है ना, अगर क्या बनाएगा तो बादल या हो जाएंगे बादल की पर्यायवाची, नीर नीर के कमल के पर्यायवाची ही इसके हैं, कमल के ही पर्यायवाची है ये, ठीक है, नीरज नीरज नीर प्लस दय, ठीक है ना, ये बादल के पर्यायवाची है, नीर देने वाला पानी देने वाला बादल, इसके क्या बन जाएंगे ये है जो बादल शब्द बनेगा वो शब्द बन जाएगा। पीतांबर, पित मीन होता है पीला और अंबर मीन होता है आकाश, ठीक है ना, और यहाँ पर अंबर मीन क्या है कपड़ा, क्या है पीतांबर, पित मीन क्या होता है पीला और अंबर मीन होता है कपड़ा, ठीक है ना, मीन पीला अंबर मीन कपड़ा, तो पीले वस्त्र धारण करने वाला किसके ओर इशारा किया गया है, कृष्ण की ओर इशारा किया गया है, भगवान विष्णु यानी भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा किया गया है, तो कृष्ण क्या हो जाएगा रूप शब्द हो जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे हमारे योगिक शब्द के, और भी कुछ बहुत से सारे उदाहरण हैं, वो अपनी किताब के अंदर आप देख सकते हैं समझ सकते हैं, तो समस्या है पूछ सकते हैं, तो ये हमारे रचना के आधार पर, क्या है ये रचना के आधार, अब व्याकरण के आधार पर और करेंगे, क्या करेंगे व्याकरण के आधार पर, अब हमारे हैं व्याकरण के आधार पर शब्द, अब रचना के आधार पर, अब क्या हमारे व्याकरण के आधार पर शब्द, व्याकरण के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने होते हैं, तो व्याकरण के आधार पर हमारे शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द किसे कहते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अब विकारी शब्द वे शब्द, विकारी शब्द किसे कहते हैं वे शब्द जो लिंग वचन पुरुष काल कारक, क्या कहता है जो शब्द लिंग वचन पुरुष काल कारक, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर, काल के आधार पर या कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, बदल जाते हैं,
उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। मतलब विकारी, विकारी विकार उत्पन्न हो जाना किसके कारण से? लिंग के कारण से, वचन के कारण, पुरुष काल कार्य आदि के कारण क्या हो जाए उसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल लड़का लड़की, लड़के का लड़की, तो किसके कारण हुआ विकार यहाँ पर? लिंग के कारण, ये लड़का है और ये लड़की हो गई, ठीक है। इसी प्रकार देखिए लड़का लड़की, लड़का लड़की, तो इसका परिवर्तन किसके? वचन के कारण, यहाँ है यहाँ ज्यादा है। तो ये है हमारे विकारी शब्द, क्या कहिए? विकारी शब्द। अब देखिएगा विकारी शब्द के प्रकार, विकारी शब्द के प्रकार, विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं, कौन से प्रकार में आते हैं? संज्ञा शब्द, सवर्णम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया के शब्द। संज्ञा, सवर्णम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं, इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए अविकारी शब्द, अविकारी शब्द कौन से होते हैं और कहां होता है? देखिएगा वे शब्द में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, वही बात है, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विकार में क्या था? विकार उत्पन्न हो रहा था, अविकार में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। और इन शब्दों क्या कहते हैं? अव्यय, इन शब्दों क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। देखिए जैसे आज, कल, परसों, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये शब्द क्या है? अविकारी शब्द है, इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी ये शब्द है वो नहीं बदलते हैं। तो ये कौन शब्द हमारे हैं? अविकारी शब्द है, जो शब्द जिस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसको क्या कहेंगे हम? अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे आज है, ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कल में कोई परिवर्तन नहीं, परसों, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये शब्द ऐसे हैं कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और के प्रकार कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मय बोधक शब्द और निपात, ये जो शब्द होते हैं ये हमारे होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। तो ये थे हमारे व्याकरण के आधार पर शब्द, आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे और इनको अच्छी तरह से अपने रीड कर लेना। और आज हमारा ये शब्द का टॉपिक है खत्म होता है, इसके चार पार्ट बनाए हैं हमने शब्द के टॉपिक के, अच्छी प्रकार से कर लेना चारों पार्टों को, और कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।